कंगना रनौत ने ट्विटर पर पार किया 1 मिलियन फॉलोअर्स का पड़ाव। स्पेशल वीडियो जारी कर लोगों को बताया राष्ट्रवाद का असली मतलब। देश के कारीगरों की तारीफ की और लोगों से अपील की है कि नॉर्थ ईस्ट के टैलेंटेड कारीगरों को मेनस्ट्रीम इंडियन रिप्रेजेंटेशन में जगह मिले। कैसी लग रही हूँ मैं आज? मैंने अपनी फ्रेंड बॉनिना की दी हुई गिफ्ट, इसे फनिक कहते हैं, ये ट्रेडिशनल मणिपुरी ड्रेस है और मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है। दोस्तों, मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ इंडिया में फैशन के नाम पे सोचते हैं ऐसे वेस्टर्न फैशन ही फैशन है, और मेरी ये शिकायत है जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं एडिटोरियल्स शूट करती हूँ और बहुत ही बड़े बड़े महान डिज़ाइनर्स भी हैं, मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर यूरोपियन फैशन से इंस्पायर होके, उनके गाउन्स की सिल्वेट से इंस्पायर होके, उनके फैब्रिक से इंस्पायर होके, या चाइनीज हनफूज या जापानीज किमोनोज सबसे इंस्पिरेशन लेते हैं, लेकिन हमने अपने ही देश के ऐसे ना जाने कितने अनमोल आर्ट हैं, कलाएं हैं, हैंडीक्राफ्ट्समैनशिप है, हैंडलूम है, जिनको इग्नोर किया है। एंड आई थिंक नॉर्थ ईस्ट को कभी भी मेन स्ट्रीम इंडियन रिप्रेजेंटेशन में जगह नहीं मिली है, एंड मैं चाहती हूँ हम ये चीज़ बदलें। और आज जब कुछ ही हफ्तों में मेरी ट्विटर फैमिली 1 मिलियन हो चुकी है, आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल थैंक यू वेरी मच एंड चीयर्स टू आर ग्रोइंग फैमिली। थैंक यू। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने आज सुबह ट्वीट करके लिखा, फैशन को शामिल करना चाहिए मगर दूसरों को शामिल करके अपनों को बाहर कर देने का क्या मतलब? राष्ट्रवाद का सही मतलब देश पहले है। मेरी 1 मिलियन ट्विटर फैमिली को मुबारक। वेल, कंगना ही नहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड और फैशन फिल्म की को-स्टार प्रियंका चोपड़ा भी नॉर्थ ईस्ट में आसाम की ब्रांड एम्बेसडर है और उन्होंने राज्य में पर्यटन का समर्थन करने के लिए कई पहल की है। लेकिन फिल्म मेकर करण जौहर ने साल 2018 में नॉर्थ ईस्ट कल्चर का मजाक उड़ाया था। इंडियाज गॉट टैलेंटेड के मंच से करण जौहर ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें किरण खेर ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से एक फैन ने उन्हें ट्रेडिशनल असमीज जापी गिफ्ट की थी। इसे जब किरण खेर ने पहना तो देखे करण जौहर का रिएक्शन। ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट ऑन योर हेड? करण, दीस पीपल फ्रॉम Arunachal Pradesh have got it for me and they have got this for you. Why are you not wearing your hat? Because you have guts, I don't. Darling, I look lovely in anything I wear. Isko sir pe pehen. Ow! Pehen. But you look like you're going to break into some kind of a kavali. How can I break into a kavali in a bamboo hat? What's wrong with you? You don't know the states in this country. I know everything but the states you're nothing. In. Look at the pack. I get into the state when I look at your clothes. Look at these clothes. Look at the patches. पीछे इतना बड़ा पैच लगाया हुआ तूने। But I can't tell you the state of affairs you're in right now. You're growing perspective and a hairdo. I love it. Toodles. Shut up. नॉर्थ ईस्ट कल्चर को इंसल्ट करने के लिए करण को खूब ट्रोल किया गया। वेल, ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने देश के लिए अपना प्रेम दिखाया हो। इससे पहले इस नेशनल हैंडलूम दिवस के मौके पर कंगना ने ट्विटर पर चरखा कातते हुए अपनी फोटो शेयर की। इसके साथ लिखा, हम में से अधिकांश के पास उससे अधिक है जितना हमें चाहिए। फैशन इंडस्ट्री हमारे पर्यावरण को बिगाड़ने वाली इंडस्ट्री में शामिल हो गई है। नए संकल्पों के लिए नई चुनौतियों का सामना करना होगा। आइए अपने भारतीय ऑर्गेनिक फैब्रिक इंडस्ट्री को प्रमोट करे और ग्रह की रक्षा करे। इतना ही नहीं, कंगना ने कई बार देश के लिए प्रेम दिखाया। इंडिया चाइना टेंशन के बीच कंगना ने एक वीडियो जारी कर चीनी सामान का बहिष्कार करने की अपील की है। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको? वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें, लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए हुए बलिदान को? क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पर जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है?
क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबका बहिष्कार करें ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। आज देश आत्मनिर्भर के मार्ग पर चल पड़ा है, ऐसे में कंगना रनौत जैसे सितारों की ओर से ऐसे मैसेजेस देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मनिर्भर होने के सपने को पूरा करने में प्रेरणा देती है। कंगना के राष्ट्रवाद विचारों पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।